वेलकम बैक टू माय चैनल माय विद मॉम। सो टुडे आज मैं टाइटल नहीं बताऊंगी, आज मेरी मम्मा टाइटल बताएंगी। तो मम्मा स्टार्ट। टाइटल क्या बताएं, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ये वीडियो शूट करते समय भी, क्योंकि आज हमारी जो फिशेस हैं वो जा रही हैं फिश हाउस में। हमने इन्हें वहाँ पर डोनेट किया है ताकि ये अच्छे से वहाँ पर रह पाएँ और इन्हें टाइम टू टाइम खाना पीना मिल पाए। क्योंकि आप लोग को जैसे पता है कि हम लोग अभी जा रहे हैं इंडिया से बाहर, तो हम लोग ने अपनी फिशेस का ध्यान रखते हुए बजाय किसी को देने के, हमने फिश हाउस में ही इन्हें देना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि वहाँ पर इनकी बहुत अच्छे से केयर हो पाएगी। मेरी शार्क बहुत बड़ी हो चुकी हैं, इनको ज़्यादा जगह चाहिए। और क्योंकि ये टैंक में रहती हैं तो मैं इसे किसी नदी या तालाब में नहीं छोड़ना चाहती थी, तो मैंने जाकर बात किया। तो देखिए अब आप हमारी फिशेस लेने भैया आ चुके हैं, आपने देखा जैसे वो निकालना भी फिशेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये मेरी पहली गोल्ड फिश, सो सैड। और दूसरी, ये बहुत दुख लग रहा है, मतलब मैं फीलिंग शायद शेयर नहीं कर पाऊँगी आपको, मुझे कितना दुख लग रहा है। माही भी बहुत सैड है इसलिए वो बोल भी नहीं रही है। और मैंने सोचा कि हम लोग ने अपना यूट्यूब चैनल इसी से स्टार्ट करा था, अपनी फिशेस से, तो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊँ हमारी फिशेस का क्या होने वाला है और वो कहाँ जाने वाली हैं। तो सोचा आप लोग के साथ क्यों ना इस फीलिंग को भी शेयर करा जाए, तो इसलिए हम लोग ने ये छोटा सा वीडियो शूट किया है। और ये उस भैया बहुत ध्यान रखने वाले हैं उनका। देखिए ये हमारी सारी गोल्ड फिश हो और एक हमारी शार्क, ब्लैक शार्क भी है इसमें, ये सब जा रही हैं। अब आप देखिए ये पैक हो रही हैं पन्नी में। ये मेरे लिए बहुत मतलब सैड सीन है कि हमारी फिशेस इतनी अच्छी अच्छी बेचारी पन्नियों में पैक होंगी और ये चली जाएंगी आज। क्या कहूँ मैं, शब्द नहीं मिल रहे मुझे, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बता नहीं सकती आपको कितना बुरा फील हो रहा है मुझे, लेकिन खुशी इस बात की है कि ये अच्छे से उसका ध्यान रखेंगे और उनको टाइम टू टाइम फूड मिलेगा। क्योंकि नदी तालाब में तो इतनी तेज़ होती हैं मछलियाँ कि इनको तुरंत खा जाएंगी। जैसा कि मैंने भैया से भी पूछा तो उन्होंने भी यही बोला कि आपने अच्छा किया इन्हें नहीं डाला, वहाँ केयर होएगी इनकी। और ये हमारी वाइट शार्क फिश बहुत बड़ी हो चुकी है, 16-17 इंच से ज़्यादा, शायद 18 इंच की है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए परेशान हो रही है ये पन्नी में आके अब। और मैं जाऊंगी इनसे मिलने, जाने से पहले एक दो बार हम लोग मिलने जाएंगे इनसे। मैंने भैया से बोल रखा है कि मैं आऊंगी अपनी फिशेस को देखने। और ये हमने बात कर ली कि आप इसे सेल मत करिएगा, प्लीज़ आप इनकी केयर करिएगा, वो बहुत परेशान हो रही है वो। तो उन्होंने हमसे कहा है कि वो इसे डिस्प्ले में रखेंगे और मैं एक बार मिलने भी जाऊँगी, इनको देखने जाऊंगी ये कैसी हैं, अच्छी जगह पे हैं कि नहीं है। क्योंकि हमारा टैंक तो अब इनके लिए छोटा हो रहा था, मैंने सोचा था मैं बड़ा टैंक लूँगी अब इनके लिए, पर अब जाने का हो गया है तो कोई नहीं। पर इससे बड़ा टैंक इनको अब वहाँ मिलेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो फिश हाउस जा रही हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर उनकी बहुत अच्छे से टेक केयर होगी। तो ठीक है एक बार और देख लूँ, भैया दिखा दीजिए प्लीज़, बहुत बुरा लग रहा है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे ही की तरह हैं बिल्कुल, बस इनका दाना पानी इनको मैंने जो जो है वो टाइम से इनका मिलता रहा है, मैंने बात कर ली है। और बहुत भैया आप जल्दी ही ले जाइए, ये परेशान हो रही हैं अब। मैं जाऊंगी 2-4 दिन बाद, अगर मुझे परमिशन दी तो मैं शूट करूंगी ये वहाँ कैसी हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी शायद बाद में। और ये पन्नी में क्योंकि पैक हो रही हैं तो मुझे और भी ज़्यादा दुख हो रहा है। और ये माही हैं, देखिए ये रो रही हैं बुरी तरह, बहुत रो रही है, ये बहुत रो रही है ये। और ये हमारी फिशेस जा रही हैं, ये बहुत बुरा फील हो रहा है। और गई हमारी फिशेस, माही बाय कर लो, बाय बाय। बस अब रो रही, कोई नहीं बेटा उनका वहाँ बहुत ध्यान रखा।